वो एहसास ही अलग होता है जब आप सर्दी के दिन की शुरुआत एक सुबह की पहली किरण से करते हैं। वो चिड़ियों का चहचहाना, पेड़ों से टकराती हवाओं का बहना, वो उसकी बूंदों को अपने पैरों से छूना, एहसास ही अलग होता है। मानो समय ठहर सा गया है और दिल कह रहा है, हम है कहाँ, हम है कहाँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो हम पहुंच गए एक नए डेस्टिनेशन को। ये देखिए कहाँ पर पहुंचे हैं, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। बहुत ही अच्छी साइट है, हर एक टूरिस्ट जो दिल्ली आ रहे हैं जरूर आए यहाँ पर, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दोस्तों आप जो सामने देख रहे हैं ये है कुतुब मीनार। 72.5 मीटर ऊंची है ये मीनार, जो कि मेहरौली के आर्कियोलॉजिकल पार्क में है, जिसका पहला और पुराना नाम किला राय पिथौड़ा हुआ करता था। आपको जान के और भी खुशी होगी कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है और कम से कम 30 लाख लोग इसे हर साल देखने आते हैं, देश और देश के बाहर से। ये हमारे देश की बहुत ही बड़ी शान है, दिल्ली का एक अपना चाम है इसमें आना देखना। इस मीनार पे 1368 और 1503 में दो बार बिजली गिरी थी और एक बार 1802 में भूकंप आया था, जिसके वजह से मीनार 65 सेंटीमीटर एक तरफ झुक गया है। ये देखिए सामने दोस्तों, इमाम जमीन का मकबरा है। ये काफ़ी सुंदर है, इसकी आर्किटेक्चर आप देखेंगे बहुत अच्छा बना हुआ है, लाल और सफ़ेद पत्थर से बनाया गया है। आप पूरे कॉम्प्लेक्स में देखेंगे लाल पत्थर और सफ़ेद दोनों का अच्छा इस्तेमाल हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। उस समय के कारीगर की मेहनत को हम सलाम करते हैं, हम उनको सलूट करते हैं, कितना अच्छा बना हुआ है। बहुत ही आर्किटेक्चर बहुत ही कमाल की है। आप देखें ये उस समय का जो एक मंदिर कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, उसका ये पिलर्स आप देख पा रहे हैं, इसमें काफ़ी अच्छी नक्काशी हुआ करती थी। सामने देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आप लोग से भी उम्मीद है कि आप अर्ली मॉर्निंग सुबह के समय आए ज़रूर यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा दोपहर के समय भीड़ हो जाती है, वो हर हिस्टोरिकल साइट पे होता है, आप ज़रूर फील करते होंगे। 7, 7:30, 8 बजे का समय बहुत अच्छा रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे में इसको अच्छे तरीके से घूम के देख सकते हैं। ये जो मैं अभी जा रहा हूँ ये अलाई मीनार के पास, कुतुब मीनार का ही एक रेप्लिका डबल साइज में, विड्थ में और हाइट में बनाने का इन्होंने प्रयास किया था, वो पहली मंजिल भी बना नहीं पाए, वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, अच्छा लगता है। इतने बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतना अच्छा मेंटेन्ड है, जनरली आपको मेंटेन्ड नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन्ड लगा। ये देखिए सामने दोस्तों, ये वही अलाई मीनार है। इतना बड़ा एरिया है, आपको एंड टू एंड मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ।
और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने हमारा लास्ट वीडियो कुतुब मीनार का भी देखा है। उसमें भी काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है, आपको और भी जगह हमने दिखाया है कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या है। ये आउटर पेरिफेरी या आउटर सर्कल आप इसको मान लीजिए जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये भी एक कुतुब मीनार बन रहा था, इसका हिस्ट्री मैं बताता हूँ। इसकी डायमीटर भी इससे दुगनी थी, इसकी हाइट भी इसकी दुगनी ये लोग बनाना चाह रहे थे। बट समहाउ ये कंप्लीट हो नहीं पाया। ये मेहरौली गांव है। इस तरह का पार्क में विजिट करना बहुत अच्छा लगता है। सुबह का समय आप ताज़ी हवा खा सकते हैं। दिल्ली में काफ़ी कम जगह है जहां पर इस तरह का आपको माहौल मिलेगा। आप चिड़ियों के चहचहाना सुन पा रहे हैं, शायद ही दिल्ली में लोग इस तरह का महसूस करते हैं जगह। कुतुब मीनार हमेशा के लिए मुझे बहुत पसंद है आना। मेरे वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो दिल्ली नहीं आ पाए हैं या समय के अभाव से पूरा कॉम्प्लेक्स घूम नहीं पाए, इस वीडियो के माध्यम से वो एक वर्चुअल टूर कर रहे हैं मेरे साथ। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरे कॉम्प्लेक्स का हर एक कोना मैं दिखाऊं, बताऊं कि ये कॉम्प्लेक्स कितना विशाल कितना बड़ा है। ये लाल कोट एरिया हुआ करता था, राजपूतों बसाया हुआ ये जगह। इसमें आप देख पाएंगे बहुत ग्रैंड स्केल पे आपको पुराने चीज़ों का आपको महसूस होगा कितना ग्रैंड किस तरह का आर्किटेक्चर हुआ करता था उस समय। ये जो आप देख रहे हैं ये अलाई मीनार है, देखिए आप किस तरह से बनाया हुआ है। ये पीछे आपको दिखा कुतुब मीनार, देखिए सूरज कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे आता है, देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं देखते हैं। और सही में उस समय आर्किटेक्चर कितना अच्छा हुआ करता था, इस तरह का डिटेलिंग आप देख पाएंगे। ये देखिए अलाई मीनार, द इनकम्प्लीट टावर नोन एज अलाई मीनार वाज कमेंस्ड बाय एम्बिशियस सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था ये जो आप देख रहे हैं अलाई मीनार। पहली मंजिल भी बना नहीं पाए। ये आप इसमें आउटर फसाद जो आप देख पा रहे हैं मिट्टी से और यहाँ के पत्थरों से मिलकर बनाया गया था। पहले के जमाने में जो कारीगर होते थे
काफी मेहनती होते थे। इतने सारे पत्थर को इकट्ठा करके उसको इस तरह से मिट्टी से जोड़ के एक मीनार बनाना कल्पना से भी बाहर। कितने मेहनत किए होंगे इतने पत्थर को ऊपर तक ले जाने के लिए, उसके बाद उसमें इस तरह का नक्काशी पत्थर को चिपकाना, लाल और सफेद पत्थर को चिपका के महीन कारीगरी काबिले तारीफ। इसीलिए इतने सालों तक ये सारी बिल्डिंग आज भी खड़ी है और हमें अपने गौरवशाली इतिहास की याद दिला रही है। ये देखिए, हम उत्तर एरिया में है कुतुब मीनार के। काफी सारे यहाँ मकबरे बने हुए हैं। ये सारा जो कॉम्प्लेक्स आप देख पा रहे हैं, काफी सारा यहाँ पर मकबरा बना हुआ है। बहुत ही विशाल लगता है कुतुब मीनार सामने से देखने से। 5 स्टोरी है और 5 स्टोरी का जो डिजाइन है वो काफी अलग है। ये देखिए, इस तरह का डिटेलिंग है, लाल पत्थर। ये इल्तुतमिश का मकबरा है। ये हम पीछे आ गए हैं कुतुब मीनार के पीछे। कुतुब मीनार जिसकी चौड़ाई, जो बेस की चौड़ाई है या डायमीटर कह सकते हैं, वो 14.3 मीटर है और धीरे धीरे ये छोटी होते हुए जो सबसे ऊपर जाते हैं तो 2.7 मीटर हो जाती है। इसमें 379 स्टेप्स हैं नीचे से ऊपर तक जाने के लिए। बहुत ही बड़ी है ये। इसमें 5 लेवल्स हैं। पहला, दूसरा और तीसरा लाल पत्थर से बना हुआ है, चौथा मार्बल से बना हुआ है और जो
पांचवा और आखिरी है, दोनों लाल और मार्बल से, सफेद मार्बल से बनी हुई है। ये वही मंदिर का कॉम्प्लेक्स वाला एरिया है ये जो आप देख पा रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर 27 हिंदू जैन मंदिर हुआ करती थी। ये देखिए एक मूर्ति, जो अवशेष है वो आपको दिख रहे हैं। बहुत ही प्यारा लगता है ये देखना कुतुब मीनार। इसमें इस तरह से नक्काशी की गई है जो शायद ही आपको इतने बारीक आपको दिखे। सूरज की रोशनी कुतुब मीनार पे बहुत अच्छी लगती है देखना। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये आयरन पिलर है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौर की है ये आयरन पिलर। बहुत ही सुंदर लग रहा है, सुबह का समय है, काफी कम लोग हैं। और ये देखिए ये मंदिर का जो परिक्रमा स्थल है उसको हम आपको लेके जा रहे हैं। ये शिखर देखिए, ये परिक्रमा स्थल के बाहर ही आप देख पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, वो जो गणेश मूर्ति के बारे में बताया गया, ये गणेश मूर्ति बहुत ही फेमस है और इनक्लोज्ड करके रखी गई है। बहुत अच्छा लगा मेरा ये कुतुब मीनार का जो ट्रिप रहा, बहुत अच्छा लगा। हर 2 मिनट में प्लेन यहाँ से गुजरी, मुझे अच्छा लग रहा था पिक्चर्स लेने के लिए, और भी मन कर रहा था कि और समय बिताऊं। कोशिश करूंगा दोस्तों आपको इसी तरह और भी जगह मैं विजिट करवाऊं। कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप जरूर हमें बताएं। तो हम चल पड़े, ये एग्जिट है आगे के लिए। ये एक सुविनय शॉप बंद था, ये भी कुछ ऑफिसेज हैं, ये मैं गलती से आ गया था अंदर, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा है जगह। मुझे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में सबसे अच्छा लगा इसकी साफ सफाई, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने मेंटेन करके रखा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों, आप जरूर आए यहाँ पर। ये देखिए ये वही सुविनय शॉप था, सारे लोग यहाँ से बाहर से निकल रहे हैं। अच्छा लग रहा था, तो हमारा वीडियो देख के कैसा लगा जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा।
इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और डेफिनेटली ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो है इसी तरह आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। आगे आने वाले वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।